أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح يا عليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم قوينا في الدين، رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحزاب، ठीक है, सूरह अहजाब. हमने इसका पस मंजर देख लिया था कि अहजाब कहा जाता है हिज्ब की जमा है अहजाब. अहजाब का मतलब क्या होता है? ग्रो, जमाते, ठीक है, क्लैंस, जो कबीले कबीले जो थे ना, उनको कहा जाता है अहजाब. तो किस तरह से अल्लाह सुबहान तआला ने वो सारे कबीले गठजोड़ हो गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आ गए थे ना सारे, मतलब ये बनू कुरैजा भी और सारे यहूदी कबीले और कुरैश के कबीले सब इनके खिलाफ खड़े हो गए थे. तो अल्लाह सुबहान तआला ने उसी का तस्किरा इसमें किया है. एक गजवाए अहजाब का तस्किरा है इसके अंदर और दूसरा है गजवाए बनी कुरैजा का. जी, फिर किस तरीके से उन लोगों ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ धोखा किया कि अहद तोड़ के काफिरों से जा मिले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद को क्या हुक्म दिया कि आप जो भी फैसला करेंगे, क्योंकि आप पहले से इनके दरमियान फैसला करते आए हैं. तो उन्होंने क्या किया कि सारे मर्दों को कत्ल कर दिया जाए और औरतों को जिंदा रखा जाए, बच्चों को और औरतों को सबको कैदी बना लिया, और उनका सब कुछ जो माल था वो माले गनीमत में आ गया. तो ये गजवाए कुरैजा थी. फिर उसके बाद हमने एक वाकया देखा था हजरत जैनब का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है. और एक और टॉपिक से अभी यहाँ पर इंशाल्लाह हम देखते हैं आयत में. पहले हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सूरतुल अहजाब, अहजाब का मतलब होता है क्लैंस यानी कबीले, अलग अलग ग्रोह या जमातों को कहा जाता है अहजाब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आयत नंबर 1, या अय्युहन नबी तकिल्लाह वला तुतिअल काफिरीन वल मुनाफिकीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा वत्तबिअ मा यूहा इलैका मिन रब्बिक इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून खबीरा. या अय्युहन नबी, या अय्युहा ए अन्नबी, ए नबी, इत्तकिल्लाह, इत्तकी, डरो अल्लाह अल्लाह से, ए नबी डरो अल्लाह से, वला तुतिअल काफिरीना, और ला नहीं ता तुम ता इताअत करो, फरमा बरदारी करो, अल काफिरीना काफिरों की, वल मुनाफिकीना और मुनाफिकों की, ए नबी डरो अल्लाह से और नहीं आप पैरवी करो काफिरों और मुनाफिकों की. इन्ना, बेशक अल्लाह, अल्लाह बेशक अल्लाह काना है, अलीमन खूब इल्म वाला, खूब जानने वाला, हकीमन हिकमत वाला. अल्लाह खूब इल्म रखने वाला है और खूब हिकमत रखने वाला है. ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर अल नबी है ना, अल से आ रहा है तो खास नबी की बात हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. ए नबी अल्लाह से डरो और नहीं आप इताअत कीजिए काफिरों की और मुनाफिकों की, बेशक अल्लाह है इल्म वाला और हिकमत वाला. यानी अल्लाह सुबहान व तआला यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात का हकदार है कि किससे डरा जाए, अल्लाह से डरा जाए, ना कि काफिरों और मुनाफिकों से. यानी देखिए हमारे समाज में भी और हमारे जो डेली उसमें भी क्या होता है कि हम लोगों से डर रहे होते हैं, है ना, कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, कम्युनिटी वाले क्या कहेंगे. तो अल्लाह सुबहान व तआला क्या फरमा रहे हैं कि डरने का हक अल्लाह से है, बंदों से नहीं है. तो ना तुम काफिरों से डरो ना मुनाफिक हो, ये कोई तुम्हारी हवा नहीं उखाड़ सकते. और ये नबी के वसातत से उम्मत को कहा जा रहा है कि सिर्फ अल्लाह से डरना है, काफिरों और मुनाफिकों से ना डरो, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है. वत्तबी मायूहा इलैका, वत्तबी आयत नंबर 2, व और इत्तबी, इत्तबा करो, पैरवी करो, मा जो यूहा, या वो वाहा या वही किया गया है, या के ऊपर पेश है और खड़ा जबर है, यानी पेश और जबर में पैसिव का तर्जुमा, वही किया गया, और इत्तबा करो और पैरवी करो और फॉलो करो जो वही किया गया है, इलैका का आपकी, इला तरफ आपकी तरफ, मिन रब्बी का मिन से, रब्बी रब का आपके, आपके रब से, आपके रब की तरफ से,
और पैरवी कीजिए, इत्तबा कीजिए, जो वही किया गया है आपकी तरफ, आपके रब से, आपके रब की तरफ से। इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह काना है, देखिए अल्लाह के लिए आ रहा है तो काना है में चला जाएगा। बीमा बी से मा, जो उससे जो, तामलूना ता तुम, वानु सब अमला अमल करते हो, खबीरन खबर रखने वाला है, बाखबर है। और पैरवी कीजिए जो वही किया गया है आपकी तरफ, आपके रब से, आपके रब की तरफ से। बेशक अल्लाह है उससे जो तुम सब अमल करते हो, बाखबर यानी बेशक अल्लाह तमाम काम जो तुम करते हो उसको जानने वाला है, उसे बाखबर है। यानी अल्लाह सुबहानहु ताला ने क्या फरमाया, ए नबी, सबसे पहले देखिए नबी को फरमाया जा रहा है कि आपकी तरफ जो वही की गई है उसको क्या करें, उसकी पैरवी करें, यानी तबलीग से पहले अमल, है ना। तो यहाँ पर अल्लाह सुबहानहु ताला क्या फरमा रहे हैं कि ए नबी, जो भी कुछ आपकी तरफ वही किया जा रहा है वो आपने क्या करना है, उसकी पैरवी करना है। अच्छा, वही की दो किस्में हैं, वही मतलू, वही गैर मतलू। मतलू का क्या मतलब होता है, जो तिलावत की जाती है, जो पढ़ी जाती है, जो अल्लाह सुबहानहु ताला ने डायरेक्ट नाजिल की, तो कुरान करीम वही मतलू में आता है। और गैर मतलू में आती है अहादीस, यानी हदीस। हम क्या मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं और उनके एक्शंस हैं, जो उन्होंने किए, अमल किए, वो सारे हदीस है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जो बात निकली वो अहादीस है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से खुद साबता कोई बातें नहीं निकलती थी। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको खुफिया वही करते थे वो वही है, गैर मतलू है, यानी के अहादीस है, ठीक है। तो अल्लाह सुबहानहु ताला ने फरमाया के इत्तबा करो वही की, वही जो के आपकी तरफ की गई है आपके रब से। और बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत हर अमल जो भी बंदा कर रहा है, तुम सब जो भी अमल करोगे उससे बाखबर है। व तवक्कल अलल्लाह, आयत नंबर 3। व तवक्कल अलल्लाह व कफा बिल्लाही वकीला। वह और तवक्कल, तवक्कुल कीजिए, और तवक्कुल कीजिए, भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए, अल्लाह ही अल्लाह पर, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह पर और तवक्कुल कीजिए अल्लाह पर। वह और कफा काफी है, बिल्लाही अल्लाह, अल्लाह ही वकीला, कारसाज यानी काम बनाने वाला, वकील यानी काम बनाने वाला। और तवक्कुल कीजिए अल्लाह पर और काफी है अल्लाह कारसाज, काम बनाने वाला। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैन फी जौफिही वमा जअला अज़्वाजुकुम अल्लाई तुज़ाहिरून मिन्हुन्ना उम्महातिकुम। ये थोड़ी सी बड़ी है आया, आयत नंबर है ना, बड़ी है ना, ये थोड़ी लेंदी है। चले पहले ये इतना रिवाइज करते हैं, देन विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पर अल्लाह सुबहानहु ताला ने क्या फरमाया कि अल्लाह से डरना है, बंदों से नहीं डरना है, फिर क्योंकि अल्लाह तुम्हारे तमाम अमल से बाखबर है। और जो भी वही के जरिए नाजिल किया जा रहा है, तो ये मुनकरीन हदीस के लिए कितनी दुरुस्त बात है। अल्लाह सुबहानहु ताला ने फरमाया कि आपको हर वो चीज जो वही की गई है उसकी पैरवी करनी है। तो लोग, बहुत सारे लोगों ने हदीस को झुठला दिया ना आज के दौर में, हम अहले कुरान है, हम सिर्फ कुरान को मानेंगे, उसके आगे नहीं मानेंगे, क्योंकि वो नबी जो थे वो उनके ऊपर एप्लीकेबल था, जो हदीस थी वो उस जमाने में। लेकिन ऐसा नहीं है, कितनी सारी चीजें देखें जो कुरान में है वो हमें एक्सप्लेन कैसे होती है, अहादीस के जरिए से, बगैर अहादीस के। तो अब कुरान में देखे, हमने पढ़ा था वजू का तरीका क्या था, उसमें हाथ धोना है, पैर धोना है, मसा करना है और बस, कुल्ली, बस ये चार चीजें ना, कुल्ली नहीं है, चार चार जो फराइज हैं, हाथ धोना है, हाँ मुंह धोना है, हाँ हाथ पैर मुंह और मसा, ये चार चीजें फराइज हैं। बाकी तरीका हमें कैसे पता चला, वो जो मुनकिरीन हदीस हैं, जो हदीस को नहीं मानते, वो वजू पूरा क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हो भाई तुमने, जब तुम उसको मानते नहीं हो तो कोई चीज को तुम कह रहे हो वो जबान, और फिर मतलब उस चीज को फॉलो भी कर रहे हो। तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया हर वो चीज जो आपकी तरफ नाजिल वही कर दी गई है वो आप पर इत्तबा करना क्या है, फर्ज है, यानी नबी पर नहीं बल्कि सारी उम्मत पर फर्ज है। और अल्लाह हर अमल से क्या है, बाखबर है। और तवक्कल किस पर चाहिए, अल्लाह पर। और डरना किससे चाहिए, अल्लाह से चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही काम बनाने वाला है। तमाम कामों के अंजाम हमने पिछली उसमें पढ़ा था सूरे में कि अल्लाह ही रब्बुल इज्जत के पास तमाम कामों के अंजाम है। तो काम बनाने वाला अल्लाह है, रब के ऊपर भरोसा करके काम करोगे तो उसका अंजाम की जो फिक्र है वो अल्लाह पर छोड़ देनी चाहिए। वो रिजल्ट क्या अता करता है वो अल्लाह जानता है, वो कारसाज है, वो कामों को बनाने वाला है।
इंशाल्लाह रिपीट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 4। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैन फी जौफी वमा जअल अज़वाजुकुम कुमुल्लाई तुज़ाहिरून मिनहुन्न उम्महातिकुम। मा नहीं, जअला बनाया, अल्लाहु अल्लाह ने, लिरजुलिन किसी ली लिए, रजुल मर्द के लिए, किसी बंदे के लिए, किसी शख्स के लिए, माँ नहीं, जाला बनाया अल्लाहु अल्लाह ने किसी आदमी के लिए, मिन कल्बैनी मिन से, कल्ब यानी दिल, ऐनी दो दिल, फी जौफी ही फी में, जौफ सीने ही उसके, उसके सीने में, उसके सीने में दो दिल नहीं बनाए, नहीं बनाए अल्लाह ने किसी आदमी के लिए, आदमी का मतलब सिर्फ आदमी की बात नहीं हो रही है, मतलब हर शख्स आ गया उसमें, किसी किसी आदमी के लिए उसके सीने में दो दिल, है ना, उसके सीने में दो दिल नहीं बनाए। वमा जअला अज़वाजुकुम, और माँ नहीं, जअला बनाया, अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियों को, ज़ौजा का प्लूरल है अज़वाज, तुम्हारी बीवियों को, और नहीं बनाया तुम्हारा, नहीं उसने बनाया यानी अल्लाह ने नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को, तुज़ाहिरूना मिनहुन्ना उम्मातिकुम, तुज़ाहिरूना ता तुम वानुसब जहरा जिहार करते हो, मिन हुन्ना हुन्ना उन मिन से उनसे, अभी जिहार है एक्सप्लेन करेंगे, और नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को वो सब जो तुज़ाहिर, अल्लज़ीना हम पढ़ते हैं ना वही है, अल्लाती वही, ठीक है, लेकिन ये फीमेल, आयत नंबर 4। मा जअलल्लाहु, नहीं बनाया अल्लाह ने, लिरजुलिन किसी आदमी के लिए, मिन कल्बैनी दिलों में से, फी जौफिही उसके सीने में, उसके सीने में दो दिल, नहीं बनाए अल्लाह ने किसी आदमी के लिए उसके सीने में दो दिल, वमा जअला, व और माँ नहीं, जअला उसने बनाया, अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियों को, ये स्पेसिफिकली बीवी की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर एक तलाक का मसला है, वो मसले को डील किया गया है, तुम्हारी अजवाज बीवियों को, अजवाज का एक मतलब जोड़े भी होता है, ठीक है, मतलब स्पाउसेस कोई भी होगा, अगर औरतों के ताल्लुक से बोल रहे हैं तो मर्द हो जाएगा, और मर्दों के ताल्लुक से बोलेंगे तो बीवियां हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली बीवियों की बात हो रही है। वमा और नहीं, जाला बनाया उसने, बनाया अजवाजुकुम तुम्हारी बीवियों को, अल्लाई वो जो, मतलब वो सारी बीवियां जो, तुज़ाहिरूना ता तुम वानुन सब जहरा जिहार करते हो, मिन हुन्ना मिन से हुन्ना उन उनसे, उम्महातुकुम तुम्हारी माए, उम्मुन का प्लूरल है उम्महात, तुम्हारी माए, और नहीं बनाया अल्लाह, और नहीं उसने बनाया तुम्हारी बीवियों को वो जो तुम सब जिहार करते हो उनसे, उन बीवियों से, तुम्हारी माए, वमा जाला, व और माँ नहीं, जाला उसने बनाया, और नहीं उसने बनाया, अरे अब अबना अब अदिया, मुंह बोले बेटे को अदिया कहा जाता है, ठीक है, अदिया दा से बना है ना पुकारना, तो मुंह से उनको बेटा पुकारता है लेकिन है नहीं वो तुम्हारे, अदिया तुम्हारा कुम तुम्हारे, तुम्हारे मुंह बोले बेटे को, अबना अकुम तुम्हारे असल बेटे, इब्न यानी असल बेटा, और अदिया यानी मुंह बोले बेटा, जालिकुम जालिकुम ये कौलुकुम कौल है, कुम तुम्हारे, तुम्हारे कौल है, तुम्हारी बातें हैं, भी अफवाहिकुम भी से, अफवाह अफवाह यानी मुंहों, कुम तुम्हारे, तुम्हारे मुंहों से निकलने वाले कौल हैं, तुम्हारे, तुम्हारी बातें हैं, ये सब तुम्हारी बातें हैं तुम्हारे मुंहों की यानी तुम्हारे जबानों की, वल्लाहु और अल्लाह, यकूलू या वो, कूलू कहता है, अलहक का हक, वह हुआ यहदिस सबील, व और हुआ वो या वो, हदाया हिदायत देता है, असबीला हाँ रास्ता, सबील यानी रास्ता, लेकिन असबील सीधा रास्ता, खास रास्ता, सीधा रास्ता, और नहीं बनाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी शख्स के लिए उसके सीने में दो दिल, और ना ही बनाया उसने तुम्हारी बीवियों को वो जो तुम सब
जिहार करते हो उन बीवियों से तुम्हारी माएं, और नहीं बनाया उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारे बेटे। ये तुम्हारे मुंह से तुम्हारे कॉल हैं, यानी तुम्हारे मुंह से अदा होने वाली तुम्हारी बातें हैं, और अल्लाह वो तो हक कहता है, या वो कहता है हक, और वो ही हिदायत देता है असबील, सीधे रास्ते की। अब यहाँ पर तीन चीजें कही गई हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी भी शख्स के सीने में दो दिल नहीं बनाए। अब ये कुछ काफिरों ने कह दिया था कि हमारे सीने में दो दिल हैं, और एक दिल से हम ईमान वालों की तरफ हैं, और एक दिल से हम काफिरों की तरफ हैं। यानी कि हमारा मामला बहन बहन वाला है, हम पूरी तरह से एक तरफ नहीं हो सकते, और हम अपने दोनों दिलों की बात मानते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर फरमाया कि बंदे का एक ही दिल होता है, या तो वो पूरा काफिर ही होगा, या वो क्या होगा, ईमान वाला होगा, वो कभी भी दो दिल नहीं रखता। ठीक है, तो पहली बात का जवाब ये रहा कि किसी आदमी के सीने में अल्लाह ने दो दिल नहीं बनाए। बाज रिवायत से मालूम होता है कि एक मुनाफिक ये दावा करता था कि इसके दो दिल हैं, एक दिल मुसलमानों के साथ है और दूसरा दिल कुफ्र और काफिरों के साथ है। ये आयत उसी की तरतीब में नाजिल हुई है कि अल्लाह ने किसी के भी सीने में दो दिल नहीं बनाए। फिर ये आयत मतलब ये है कि मुशरिकीन मक्का में से एक शख्स जमील बिन मुअम्मर फहर था, जो बड़ा होशियार मक्कार और निहायत तेज तर्रार था। इसका दावा था कि मेरे तो दो दिल हैं जिनसे मैं सोचता समझता हूँ, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ही दिल है। ये आयत इसके रद्द में नाजिल की गई है। बाज मुफस्सरीन कहते हैं कि आगे दो मसले बयान किए जा रहे हैं, ये इनकी तमहीद है, यानी जिस तरह एक शख्स के दो दिल नहीं हो सकते, उसी तरह अगर कोई शख्स अपनी बीवी से जिहार कर ले, यानी जिहार असल में कहा किसके जाता है पहले वो देख लेते हैं। मतलब हमने पीला पहले पढ़ा था, अब जिहार हम देख रहे हैं। जिहार का मतलब होता है कि जैसे नहीं, यहाँ पिछले उसमें ईला क्या पढ़ा था हमने, कि वो जो शौहर कसम खा लेते थे कि हम 100 साल तक अपनी बीवी से रुजू नहीं करेंगे, 200 साल तक, तो अल्लाह सुबहान व तआला ने क्या कहा, 4 महीने लास्ट लिमिटेशन है, अगर तुम इस दौरान रुजू नहीं करते हो तो क्या होगा, तलाक देना पड़ेगा, या तो फिर तलाक दे दो या फिर तुम उनसे रुजू कर लो, ये दो ऑप्शन है। वो उसको ईला कहा जाता है, कसम खा लेने को। अब यहाँ पर जिहार का था, तो जाहिर ना तुम सब जिहार करते हो, जिहार कहा जाता है, ये भी एक तलाक की किस्म है, कि लोग यूं कह देते थे कि तुम मेरी माँ की तरह दिखती हो, तुम मेरी माँ की पुश्त की तरह, यानी कि पुश्त इन द सेंस तुम्हारी तुम्हारी जो पीठ है, हाँ, यानी कि जैसे, हाँ बिल्कुल सही, कि बिल्कुल जैसे मेरी माँ है वैसे तुम हो। तो उस जमाने में मुशरिकाने मक्का के दौर में इस तरह से तलाकें होती थी कि अगर किसी शोहर ने अपनी बीवी को कह दिया कि तुम मेरी माँ जैसी हो, तुम मेरी बहन जैसी हो, तो अल्लाह सुबह, और तलाक हो जाता था, क्योंकि उसने किससे कंपेयर कर दिया, माँ से, और माँ से निकाह जायज नहीं है, तो उसका निकाह टूट जाता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि तुम्हारी जबान से माँ बोलने से वो माँ नहीं हो जाएगी, उसका कफारा अदा करना होगा अलबत्ता, लेकिन क्या होगा, ये तुम्हारे जबान की बातें हैं, वो तुम्हारे माँ बोलने से वो माँ नहीं होगी। सिमिलरली जो तुम्हारे मुंह से बोले हुए मुंह बोले बेटे हैं, वो तुम्हारे वो जो खाली तुम उनको बेटा पुकारोगे तो वो तुम्हारे असल बेटे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों मतलब ये जो ताल्लुक, ये जो वाला मैटर है, ये हजरत जैनब से जो रिलेटेड था, इसलिए यहाँ पर बयान किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे कौन है, जैद बिन हारिसा थे, तो वो जैद बिन हारिसा जो थे, लोगों ने उनको जैद बिन मोहम्मद भी कहा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमा दिया कि नहीं, वो जो उनके असल बाप है उनको उसी नाम से पुकारा जाएगा, कोई जैद बिन मोहम्मद नहीं कहेगा। और क्योंकि फिर अल्लाह सुबहान तआला को जो मामला है तलाक था और जो निकाह था उसको वो करना था ना, बहाल करना था, इसीलिए इस चीज को पहले ही क्लियर कर दिया गया कि मुंह बोले बेटे असल बेटों की वो नहीं रखते, है ना, इक्वल नहीं हो सकते। अच्छा, जिहार कर ले, जो शख्स अपनी बीवी से जिहार कर ले, यानी ये कह दे कि तेरी पुश्त मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी माँ की पुश्त, तो इस तरह कहने से इसकी बीवी इसकी माँ नहीं बन जाएगी, यूं इसकी दो माएं नहीं हो सकती। जिस तरह अल्लाह ने कहा कि दो दिल नहीं हो सकते, उसके अगर कंपेयर किया जाए, उसी तरह दो माएं नहीं हो सकती। इसी तरह कोई शख्स किसी को अपना बेटा ले, पालक बेटा बना ले, तो वो इसका हकीकी बेटा नहीं बन जाएगा, बल्कि वो बेटा अपने बाप ही का रहेगा, इसके दो बाप नहीं हो सकते।
ये मसला जिहार कहलाता है, इसकी तफसील सूरह मुजादला में इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हजरत खौला के ताल्लुक से इंशाल्लाह, ठीक है, जो कि उन्होंने दुआ की फिर अल्लाह सुब्हानहु ताला ने, वो मैटर बड़ी खूबसूरत है वो सूरह भी, यानी किसी को माँ कह देने से वो माँ नहीं बन जाएगी, ना बेटा कहने से बेटा बन जाएगा, यानी इन पर इन पर हाँ जो शरई अहकाम है वो नाफिज नहीं होते, यानी कि जो बेटा है अगर तुम उसको मुंह बोले बेटे को सगा बेटा मान रहे हो बोल रहे हो तो वो सगा नहीं होगा और ना ही उसका विरासत में हिस्सा होगा और ना ही उसकी बीवी जो है तुम्हारी असल बहू होगी, ठीक है, इसीलिए इसका इत्तबा करो, जिहार वाली औरत को माँ और ले पालक बेटे को मत ले पालक बेटे को बेटा मत कहो, ख्याल रहे कि किसी को प्यार और मोहब्बत में बेटा कहना और बात है और ले पालक को हकीकी बेटा तसव्वुर करके बेटा कर लेना अलग बात है, यानी अल्लाह सुबहान तआला ने इसलिए इस चीज, देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि एक शख्स है उसके पास कोई औलाद नहीं है, अब वो बेटा लेगा तो वो क्यों क्यों ले रहा है कि मेरी आगे की प्रॉपर्टी मेरी विरासत वो सारे सारे मामलात में क्या हो, कोई मसला नहीं आ जाए, ठीक है, तो यानी अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ पर इस चीज को क्लियर कर दिया कि जो ले पालक बेटे हैं उनको आयत में ये बताया गया है कि जिहार जो पिछली उम्मतों में ऐसा किया गया, मतलब मुशरिकाने मक्का यूं करते थे कि अपनी बीवियों को कहते थे कि तू मेरी माँ की पुश्त जैसी है, तो फिर उनका निकाह टूट जाता था, तो अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया कि वो तुम्हारे मुंह से बोलने से वो माँ नहीं हो जाती, उसी तरह तुम्हारे मुंह से बोलने से तुम्हारे वो बेटे हकीकी बेटे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे मुंह से निकले हुए कॉल हैं और अल्लाह जो कहता है वो सच बात है, तो जब अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारे हकीकी बेटे और हकीकी माँ नहीं है तो फिर बिल्कुल ऐसा ही है, और वो तुम्हें क्या करता है सीधे रास्ते की तरफ गाइड करता है। आयत नंबर 5, उदउहुम लिआबाइहिम हुवा अक्सतु इंदल्लाह फइन लम तअलमू आबाअहुम फइख्वानुकुम फिद्दीनी ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. آية نمبر 5. ادعوا پکارو هم ان سب کو تم سب پکارو هم ان کو لآبائهم لی سات آبائی باپ داداؤ باپ سوری باپ آبا باپ ہم ان کے उनके बापों के लिए या उनके बापों के नामों के जरिए तुम सब पुकारो उन्हें उनके बापों के बापों से यानी उनके बापों के नामों से, हुआ वो अक्सतु अक्सत ये आसनु अफालु पैटल पर है, अलिफ ज्यादा कसता किस यानी इंसाफ वाली बात है, इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक तुम सब पुकारो उन्हें उनके वालिदों के नाम से, नाम लिखा हुआ नहीं है बट इट इज अंडरस्टूड, है ना, उनके बापों से यानी उनके वालिदों के नाम से, ये वो मतलब ये सही इस तरीके से पुकारना ज्यादा इंसाफ वाला है, ज्यादा सही बात है अल्लाह के नजदीक अल्लाह के सामने। पर इन लम तालमु फिर इन अगर फिर इन अगर फिर अगर लम नहीं तालमु ता तुम वावले सब अलमा इल्म रखते हो या जानते हो, फिर अगर नहीं तुम सब जानते आबाहुम उनके बापों को यानी तुम्हें नहीं पता उनके बाप कौन है, इख्वानुकुम तो वो क्या है इख्वानुकुम अखुन का प्लूरल है इख्वान कुम तुम्हारे इख्वान भाई हैं, फिर वो सब तुम्हारे भाई हैं, फिर दीनी दीन में हम कहते हैं ना दीनी भाई दीनी बहन, तो वैसे ही वो तुम्हारे दीनी भाई हो जाएंगे, यानी अब भी वो तुम्हारे बेटे नहीं होंगे, वो तुम्हारे अब दीनी भाई है, वह मवालीकुम और तुम्हारे दोस्त हैं, मवाली वली का प्लूरल है मवाली, यानी कि वो तुम्हारे दीनी दोस्त हैं दीनी भाई हैं, वलैसा अलैकुम जुनाहुन वा और लैसा नहीं अला पर कुम तुम पर और नहीं है तुम पर जुनाहुन कोई गुना फी मा फी में मा जो इसमें जो अख्ता तुम भी अख्ता खता हो गई तुमसे भी उसमें यानी कि इससे पहले जो तुमसे खता हो गई तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह इस मामले में नहीं जो अता खता की तुमने इसमें यानी कि इससे पहले जो हो गई
उसमें कोई गुनाह नहीं है। वलाकिन्ना और लाकिन्ना लाकिन लेकिन और लेकिन मा जो तअम्मदत कुलूबुकुम, तअम्मदत इरादा किया, अमदा इरादा किया, ता देखें ता साकिन आ रहा है, फेमिनिन के लिए आता है तो कुलूब फेमिनिन है, इरादा किया कुलूबुकुम तुम्हारे दिलों ने, और लेकिन जो तुम्हारा इरादा किया तुम्हारे दिलों ने, वकान अल्लाहु व और काना है अल्लाहु अल्लाह गफूर रहीमा मगफिरत फरमाने वाला रहम फरमाने वाला। तुम सब पुकारो उनको उनके बापों से यानी उनके बापों के नाम से, ये ज्यादा ज्यादा इंसाफ वाला है अल्लाह के नजदीक। फिर अगर नहीं तुम सब इल्म रखते हो जानते हो उनके बाप को यानी उनके वालिदों को, तो वो तुम्हारे भाई हैं दीन में यानी दीनी, तुम्हारे दीनी भाई हैं और तुम्हारे दोस्त हैं, वली का प्लूरल है मवाली। और नहीं है तुम पर कोई गुनाह इसमें जो तुमने खता कर दी इसमें, और लेकिन जो तुमने इरादा किया तुम्हारे दिलों ने, और ये तुम नहीं है ठीक है, तअम्मदा इरादा किया कुलूबुकुम तुम्हारे दिलों ने, और है अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बड़ा रहम फरमाने वाला। अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये भी बात आसान कर दी कि अगर मना इंसान सोचता है ना, जब मना कर दिया बेटे नहीं बोल सकते तो फिर क्या बोले, तो अल्लाह ने फरमा दिया फिर तुम क्या कह सकते हो उन्हें, तुम्हारे दीनी भाई हैं वो। ले पालकों को यानी कि जिन बच्चों को तुमने लेकर पाला है उनके हकीकी बापों की तरफ निस्बत करके बुलाया करो, बुलाओ अल्लाह के नजदीक पूरा इंसाफ यही है। फिर अगर तुम्हें इनके हकीकी बापों का इल्म ही ना हो तो तुम्हारे दीनी भाई हैं और दोस्त हैं, तुमसे भूल चूक में जो कुछ हो जाए उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, अलबत्ता गुनाह वो है जिसका तुम इरादा कसदन करो यानी तुम्हारे दिल उस चीज पर आमादा हो, तब क्या होगी गुनाह होगा, और अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला है रहम करने वाला। किन लोगों को, जो खतान कुछ कर जाए उनको तो अल्लाह बख्श देगा, लेकिन सिर्फ जान पूछते, देखिए एक बंदे को पता है कि ये मेरा बेटा नहीं है या हकीकी बेटा नहीं है, वो मेरा मुंह बोला बेटा है, फिर भी उसको क्या करे विरासत में हिस्सा दे, तो फिर क्या हो गया, ये जानबूझ के दिली इरादा हो गया ना, तो पकड़ किस पे होगी, जब दिली इरादे के साथ किसी काम को किया जाए, खतअन कोई काम हो जाए अल्लाह गफूर रहीम है, फिर उस पर कोई गुनाह नहीं है। इस हुक्म से इस रिवाज की ममानियत कर दी गई जो जमाने जाहिलियत से चला आ रहा था, और इब्तिदाई इस्लाम में भी राइज था कि ले पालक बेटों को हकीकी बेटा समझा जाता था। सहाबा कराम बयान फरमाते हैं कि हम जैद बिन हारसा को, जिन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद करके बेटा बना लिया था, जैद बिन मोहम्मद कहकर पुकारते थे सहाबा कराम, हत्ता के कुरान करीम की आयत उदउहुम आब ली आबाउहुम नाजिल हो गई। इस आयत के नुजूल के बाद हजरत अबू हुजैफा के घर में भी एक मसला पैदा हो गया, जिन्होंने सालिम को बेटा बनाया था। अबू हुजैफा कौन है, हिंद के भाई ठीक है, और ये इनका जो निकाह हुआ है ना हजरत हुजैफा का, आई थिंक आप हजरत उमर की बेटी से हुआ है ना उनका, या बहन से, हुजैफा, हाँ हुजैफा, और चले खैर हम सोच के बताते हैं एग्जैक्ट। तो यहाँ पर देखें क्या अल्लाह सुबहान ताला क्या फरमा रहे हैं कि जब ये बात आई ले पालक वाली बात, तो यहाँ पर हजरत जैद जो थे उन्होंने भी एक शख्स को लेकर पाला था जिनका नाम था सालिम, उन्होंने लेकर पाला हुआ था। अब इनके घर में मसला पैदा हो गया, जिन्होंने सालिम को बेटा बनाया हुआ था, जब मुंह बोले बेटों को हकीकी बेटा समझने से रोक दिया गया तो इससे पर्दा करना जरूरी हो गया है ना, क्योंकि जो बीवियां हैं तो वो फिर नामहरम हो जाएंगी उनके लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुज़ैफा की बीवी को कहा कि उसे दूध पिलाकर अपना रजाई बेटा बना लो, कि वो अभी छोटे ही थे तो उनको क्या कर लो असल बेटा, मतलब असल नहीं रजाई तो वो उसके ही उसमें रहता है, बना लो क्योंकि इस तरह तुम इस पर हराम हो जाओगी। चुनाचा उन्होंने ऐसा ही किया, तो अब पर्दे वाला जो मसला था वो खत्म हो गया, यानी जिनके हकीकी बापों का इल्म है अब दूसरी निस्बतें खत्म करके उन्हीं की तरफ उन्हें मंसूब कर दो, अलबत्ता जिनके बापों का इल्म ना हो तो तुम उन्हें अपना दीनी भाई और दोस्त समझो, बेटा मत समझो, इसलिए कि खता माफ है जैसा कि हदीस में भी सराहत है, यानी जो जानबूझकर इस इंतसाब करेगा वो सख्त गुनाहगार होगा। हदीस में आता है कि जिसने जानते बूझते अपने गैर बाप की तरफ मंसूब किया
उसने कुफर का इंतकाब किया। अल्लाह वक्त कुफर के दर्जे पर अगर चला जाएगा, अगर किसी और की तरफ उसको मंसूब किया जाए, किसी के हकीकी बाप के पता होते हुए भी किसी दूसरे के बाप की तरफ अपने आप को मंसूब करने से, तो उनको कैसे पुकारो? उनके बापों के नाम से। अगर नहीं पता है तो वो भाई है तुम्हारे दीनी, और अगर तुम खतअन जो कुछ कर गए हो उस पे तो अल्लाह की कोई पकड़ नहीं, वो बख्श देगा, रहम कर देगा। लेकिन अगर तुम फिर भी इरादा अपने दिल के इरादे से ये काम करते रहो तो फिर तुम्हारी क्या है, फिर पकड़ है। वलाकिन आ गया ना, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो फिर अभी हमने देखा वही कि वो कुफ्र का इर्तिकाब करेगा। आयत नंबर 6, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتكم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. بسم الله الرحمن الرحيم। अब यहाँ पर एक और मसला आ रहा है। अन नबीयू, अन नबी, नबी अब यहाँ पर खास नबी है। औला करीब तर है, औला ज्यादा करीब है, ठीक है। जैसे ये आया था अक्सतु, वैसे औला ज्यादा करीब है, नबी ज्यादा करीब है। बिल मुमिनीना ईमान वालों से, बी से अल मुमिनीना ईमान वालों से। मिन अनफुसिहिम, मिन से अनफुसी नफ्सो हिम उनके, उनके नफ्सों से अपनी उनकी खुद की जानों से करीब कौन होना चाहिए? नबी होना चाहिए। नबी ज्यादा करीब है ईमान वालों के उनकी खुद की जानों से, उनकी अपनी नफ्सों से। वह अजवाजहु, वह और अजवाजु बीवियां, हु उनकी, उनकी किनकी? उन नबी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या कोई भी नबी की जो बीवियां हैं। उम्महातुहुम उनकी माए हैं, यानी ईमान वालों की बी ईमान वालों की माए कौन है? नबी की बीवियां। व उलुल अरहाम बादुहुम औला बिबादी फी बादिन फी किताबिल्लाह। व और उलुल अरहामी, अरहाम वाले यानी एक ही रहम वाले जो हैं, उलुल अरहामी और रहम वाले यानी जो रिश्तेदार हैं, बादुहुम उनमें से बाज, औला करीब, करीब है, ज्यादा करीब है, बिबाजिन बाज के, फी किताबिल्लाही अल्लाह की किताब में। जो रहम वाले हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, और जो ईमान वाले हैं वो नबी के करीब है ना, नबी को प्रेफरेंस देते हैं, और नबी की बीवियां सारी क्या हैं? उनकी माए हैं। मिनल मुमिनीना ईमान वालों से, वल मुहाजिरीना और मुहाजिरीन से हिजरत करने वालों से, इल्ला सिवाए अन के तफअलूता तुम वालिफ सब फाला करो, इला औलियाइकुम इला तरफ या एक मिनट नजदीक तर है बास के किताब में अल्लाह की मोमिनों में से और मुहाजिरीन में से, मगर ये कि तुम करो तरफ अपने दोस्तों के, मगर ये कि तुम सब करो तरफ अपने दोस्तों के, मारूफन कोई भलाई, कोई भलाई तुम अपने दोस्तों के लिए करो। अभी इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करेंगे तो बात, क्योंकि के अंदर ब्रेक 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 हो रहा है ना। काना जालिका फी किताबी मस्तूरा, काना है जालिका ये है फिल किताबी किताब में, मस्तूरा सतर किया हुआ यानी लिखा हुआ। अन नबीयु नबी औला ज्यादा करीब हैं, करीब तर हैं, बिल मुमिनीना मोमिनों के, मिन अनफुसिकुम उनके नफ्सों से अपनी जानों से, व अजवाजहु और उनकी बीवियां यानी नबी नबियों की बीवियां क्या हैं? उम्महातुहुम उनकी माए हैं। वह उलुल अरहाम और रहम वाले यानी के उलू, उलू कहा जाता है वाले को, उलू उली उले ये तीनों वर्ड आते हैं। असहाब इज ऑल्सो वाले, असहाब का कभी कभी तर्जुमा साथी भी होगा और कभी कभी वाले भी हो जाएगा। उलू हमने जा जू जी पढ़ा था, जाता जवाता जा जू जी, और कभी कभी मीम भी वाले में आता है, जैसे मुकमिन ईमान वाला, मुफसिद फसाद वाला है ना, फसाद करने वाला, मुशरिक शिरक करने वाला, तो मीम भी शुरू में कभी कभी वाले का तर्जुमा आता है। ये उलू भी, उलू तो हमेशा ही वाले का तर्जुमा आएगा, ठीक है। उलुल अज्म, अज्म वाले, हिम्मत वाले, उलुल अरहाम रहम वाले यानी करीबी रिश्तेदार जो हैं, वो क्या है? बादुहुम उनमें से बास, बास के क्या है? करीब है, यानी वो एक दूसरे के करीब है। तो बास पहले बास का तर्जुमा एक करेंगे, दूसरे बास का तर्जुमा दूसरे करेंगे। उनमें से बास यानी वो एक दूसरे के
करीब है, ज्यादा करीब है फी किताब इल्लाही, अल्लाह की किताब में। मिनल मुमिनीना, ईमान वालों में से, और वल मुहाजिरीना, और मुहाजिरों में से, इल्ला सिवाय अन के, तफअलु तुम सब करो, इला औलियाकुम तुम्हारे दोस्तों की तरफ, कोई खैर का मामला, भलाई का मामला है, ये सब कुछ किताब में लिखा हुआ। अब देखें इसमें क्या मामला बताए जा रहे हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम की बीवियों के ताल्लुक से बताया जा रहा है कि पैगंबर मोमिनों पर खुद इनसे भी ज्यादा हक रखने वाले हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी जो नबी होता है, अगर ईमान वाले उनके ऊपर ईमान ले आए तो फिर क्या मामला होना चाहिए कि जो अम्बिया हैं वो हमें अपनी जानों से भी ज्यादा अजीज तर होने चाहिए। यानी हम कहते हैं ना, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, कि हमारे वालिदैन आप पर कुर्बान जाए, जिस तरह से सहाबा किराम ने किया कि हमारे लिए हमारे वालिदैन से भी पहले कौन आता है, आप आते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तुम जब तक मुझसे, अपने वालिदैन से, अपने घर बार से, एक मरतबा हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने उसे पूछा कि मैं कितना अजीज हूँ, ठीक है, हम मफ़हूम बता रहे हैं, नॉट द ओरिजिनल टर्म वर्ड्स। तो आप हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे अपने माल और सारे वालिदैन सबसे ज्यादा अजीज करें आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें अपनी खुद की जान से भी ज्यादा मैं अजीज हूँ? तो ही वॉज लाइक के थोड़ी देर के लिए रुक गए, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा अजीज अपनी जान को रखता है ना, भाई पूरी दुनिया को मैं अपने जान के लिए कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर रुक गए और फिर थोड़ी देर बाद फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह यकीनन आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज सर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि उसकी खुद की जान से अजीज सर मैं उसको ना हो जाऊं। हम लोग तो कितना ना, मतलब हमारे तो ये वहमो गुमान में भी चीज नहीं आ सकती कि हम अपनी जान से अजीज सर किसी को बना ले, रसूल को बना ले, हम अपने घर वालों को नहीं बना सकते अपनी जान से अजीज सर, तो रसूल को कहाँ बनाएंगे जिनको हमने देखा भी नहीं। तो ये मामला था सहाबा अकराम का। यहाँ पर अल्लाह सुबहाना ताला फरमा रहे हैं कि नबी का हक, ईमान वालों को अपनी जान से ज्यादा हक नबी का क्या है, उनकी जानों पर है। पैगंबर मोमिन पर खुद इनकी भी, इनसे भी ज्यादा हक रखने वाले हैं, और पैगंबर की बीवियां मोमिनों की माएं हैं, यानी उनसे निकाह जायज नहीं। जो नबी की बीवी एक मर्तबा बन गई तो उससे कोई उम्मती निकाह नहीं कर सकता। और रिश्तेदार किताब अल्लाह की रूह से बनिस्बत दूसरे मोमिनों और महाजरों के आपस में ज्यादा हकदार हैं। हाँ, मगर ये कि तुम अपने दोस्तों के साथ हुस्ने सुलूक करना चाहो, ये हुक्म इलाही में लिखा हुआ है। नबी अपनी उम्मत के लिए जितने शफीक और खैरख्वाह थे, मोहताज वजाहत नहीं है। यानी कि जितना नबी का एहसान है ईमान वालों पर, तो ईमान वाले अगर अपनी जान भी दे दे तब भी वो एहसान नहीं चुका सकते, इसीलिए उनको अजीज सर रखना है। अल्लाह ताला ने आपकी इस शफकत और खैर ख्वाही को देखते हुए इस आयत में आपको मोमिनों के अपने नफ्स से भी ज्यादा हकदार कर दिया। आपकी मोहब्बत को दीगर तमाम मोहब्बतों से फाइक तर, यानी ऊंचा कर दिया, और आपके हुक्म को अपनी तमाम ख्वाहिशात से अहम तर कर दिया। यानी कि एक बंदे का हुक्म और नबी का हुक्म अगर टकराए तो नबी के हुक्म को तरजीह दी जाएगी। अब जैसे एक सहाबी ने क्या किया था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जंग के लिए निकल जाओ, तो सारे सहाबा निकल गए और उन्होंने क्या कहा, अरे अभी जुमा की नमाज है, मैं पहले जुमा पढ़ लेता हूँ, देन आई विल कैच अप विद देम, है ना। तो वो सारे आगे बढ़ गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा और पूछा कि तुम अभी तक नहीं गए, तो कहा कि या रसूलल्लाह मैंने सोचा कि पहले मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, जमात छूट जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने हुक्म दिया था, यानी कि मेरा हुक्म उस नमाज पर भी, क्योंकि नबी के बताए हुए रास्ते पर तुम चल रहे हो ना, तो नबी का हर फैसला, हर हुक्म क्या रहेगा, बाकी तमाम कामों से मुकद्दम और आला तर रहेगा, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को अल्लाह सुबहानहु तआला ने दूसरे अहकाम पर तरजीह दे दी, यानी इंसान की ख्वाहिश नफ्स पर नबी के हुक्म को तरजीह दे दी गई, क्योंकि वो खुश अपने दिल से कहते हैं ना, नबी ने हुक्म नहीं दिया था, नमाज तो वो रास्ते में भी हो जाती, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, नबी के हुक्म की नाफरमानी हो गई, ठीक है, वो आप पर निछावर कर दे। इसीलिए मोमिनों के लिए जरूरी है कि आप इनके जिन मालों का मुतालबा अल्लाह के लिए करें वो आप पर निछावर कर दें। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें
कि तुम्हारा ये माल राह खुदा में लगना चाहिए, तो कोई मोमिन ये ना कहे कि मैं ये नहीं दे सकता, ये मेरे बीवी का है, मेरे बच्चों का है, मेरे फ्यूचर प्लान्स है और ये है वो है, नहीं कह सकते। यानी कि एक मरतबा नबी का हुक्म हो गया तो वो चीज क्या हो गई, उनकी हो गई। ठीक है, इट इज नॉट जबर, इट इज के उनका जो मकाम है वो ये है कि अल्लाह सुबहान तआला ने अपने हुक्म के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को तरजीहात दी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और किसी, हाँ एग्जैक्टली पॉइंट टू बी नोटेड कि कोई भी हुक्म ज्यादती वाला नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मिस्तहकम वो रहता था। बिल्कुल माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा जिद जिद फजिद, अल्लाह सुबहान व तआला ने जो भी हुक्म दिया वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा अकराम को हुक्म भी दिया था। हाँ जी, फिर निछावर कर दें, उन्हें खुद कितनी ही जरूरत हो, यानी कि उस वक्त उस चीज की जरूरत हो तब भी क्या करना है, नबी के लिए उन तमाम चीजों को हाजिर करना है। नबी इन द सेंस दीन के लिए, हम नबी के लिए खुद पर्सनल उनके जात के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो दीन के गलबे के लिए किया जा रहा था। आपसे अपने नफ्सों से भी ज्यादा मोहब्बत करें, जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को सब पर मुकद्दम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को सबसे अहम समझें, जब तक कि ये खुद सुपुर्दगी नहीं होगी इसके मुताबिक आदमी मोमिन नहीं हो सकता। यानी कि जब तक हम अपनी जानों को नबी के लिए वो नहीं कर दें, सुपुर्द नहीं कर दें, तब तक हम ईमान वाले नहीं हो सकते। इसी तरह जब तक आपकी मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब नहीं हो जाती, तब तक हम सही मोमिन नहीं हो सकते। और यहाँ पर एहतराम और तकरीम में और इनसे निकाह ना करने में, वो तुम्हारी क्या है, माए, यानी जो नबी की जो बीवियां हैं, एहतराम और तकरीम में, जैसे माँ का एक दर्जा होता है कि उसके लिए एहतराम क्या है, फर्ज है, उसी तरह नबी उम्महातुल मोमिनीन, इसीलिए हम कहते हैं ना उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा, तो उम्मुल मोमिनीन यानी उम्मत की माँ है ना, उम्मत की माँ। ठीक है, मोमिनी सॉरी उम्मत की माँ नहीं, मोमिनीन की माँ। हाँ जी हाँ जी, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की माएँ भी हैं, यानी अब मुहाजरत और अकूबत की वजह से विरासत नहीं होगी। यानी अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ पर क्या फरमा दिया कि जो तुम्हारे उलुल अरहाम है वो तुम एक दूसरे में से आपस में एक दूसरे के क्या हो, करीब हो। उलुल अरहाम एक दूसरे के करीब है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर विरासतें तकसीम होंगी। कोई मुहाजिर आ गया है, कोई बाहर से आया है, किसी को तुमने मुंह खोला बेटा बना दिया है, उसमें विरासत तकसीम नहीं होगी। हाँ अलबत्ता तुम किसी के साथ खैर का मामला करना चाहो, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम उनके मेहमान नवाजियां करना चाहो, कुछ गिफ्ट देना चाहो, तो वो अलग बात है कि तुम अपने दोस्तों की खैर ख्वाही करना चाहते हो, इससे इस्लाम ने नहीं रोका है। लेकिन विरासत में हिस्सा ना दोस्तों का होगा, ना मुहाजिरीन का होगा, ना किसी और का होगा, ना किसी मुंह बोले बेटे का होगा, विरासत नहीं होगी। अब विरासत सिर्फ करीबी रिश्तेदारों की ही के लिए है, उलुल अरहाम के लिए है। हाँ, गैर रिश्तेदारों के लिए एहसान और सिला, अच्छे सिला करना, ये हमारा दीन भी बताता है। नेज इनके लिए एक तिहाई माल में से वसीयत भी कर सकते हैं, यानी इन केस आप देख रहे हैं कि मेरा दोस्त बड़ा गरीब है और उसके घर में फाके पड़े हुए हैं, तो वो क्या करे अपने प्रॉपर्टी के, अगर किसी के पास तीन घर है तो वो दो घर तो शरीयत के मुताबिक चले जाएं और एक घर चाहे वो उसको दे दे, अपने दोस्त को दे दे, तो एक हिस्से में वो जिसको चाहे देना चाहे दे सकता है, बाकी जो दो, जैसे एक रोटी के तीन हिस्से बनाए तो दो हिस्से तो शरीयत के मुताबिक, उसके अंदर हमारा कोई अमल दखल नहीं। देखिए आज लोग कैसे हैं, मुसलमान भी विल बनवाते हैं, कहाँ पर जाकर एडवोकेट से विल बनवा रहे होते हैं, हमने खुद इतने सारे विल्स बनाए हैं सारे मुसलमानों की, माफ करे क्योंकि नहीं पता था ना उस वक्त शरीयत का कवानीन क्या होते हैं, तो वो जैसा जैसा बोलते गए वैसे वैसे डिवाइड कर दिया कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा उसको इसको, तो ये नहीं पता था, जबकि मतलब शरीयत में ये चीज इतनी अहम है कि हम विल बना ही नहीं सकते सिवाय एक तिहाई हिस्से के, एक तिहाई हिस्से के। हाँ अगर विल भी बनाना है तो शरीयत ही के मुताबिक हम विल बना सकते हैं कि दो दो हिस्से में प्रॉपर्टी पूरी जैसे अल्लाह ने सूरह निसा में बयान की थी वैसे डिवाइड होगी, बाकी एक हिस्सा चाहे फिर तुम जिसको दो, और वो जो वारिस है वो एक तिहाई में नहीं आएंगे। हाँ दैट इज फ्रॉम, क्योंकि अल्लाह ने डिवाइड कर दिया ना उसमें। तो यहाँ पर अगर तुम किसी उलुल मतलब औलिया, किसी दोस्त, किसी मुहाजिर, किसी और मोमिन के साथ खैर ख्वाही का मामला करना चाहो तो वो तुम एक तिहाई में से कर सकते हो। हाँ जी, यानी अब यहाँ पर क्या कहा
कि वका काना जालिका फी किताबी मसूरा, यानी लोहे महफूज में असल हुक्म यही है, वो आर्जी तौर पर मसलहतन दूसरों को भी वारिस करार दिया गया था, लेकिन अल्लाह के इल्म में था कि ये मंसूख कर दिया जाएगा पहले थोड़े टाइम के लिए, कि जो ईमान वाले जो वालदैन है, जो तुम्हारे रिश्तेदार है, वो सब वारिस हैं, लेकिन ये मुहाजिरीन भी वारिस बना दिए गए थे, लेकिन वो क्या था, नीड ऑफ एन आर थी, वो जैसी जरूरत थी तो उस हिसाब से किया गया था, लेकिन अब इस चीज से क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, और या ये हुक्म मंसूख कर दिया गया कि जो करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी और को विरासत में हिस्सा दिया जाएगा। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम मोहब्बत पर गालिब नहीं होगी, तो ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकुनु अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, कि रूह से मोमिन नहीं होगा, यानी कि जब तक इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी जान से, अपने वालिदैन की जान से ज्यादा नहीं करने लगेगा, तब तक वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, जैसे सहाबा अकराम ने अपनी जानों से बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की थी। ठीक है, रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर मामला असल में बयान करना था कि विरासत किनको तकसीम होने वाली है, उलुल अरहाम को, करीबी रिश्तेदारों को, इसके अलावा जो गैर हैं, मोमिनीन हैं, मुहाजिरीन हैं, तुम्हारे दोस्त और अहबाब हैं, तो उसमें क्या है, तुम कोई खैर का मामला, मारूफन, कोई नेकी करना चाहो, उनके साथ भलाई का मामला करना चाहो, सिला रहमी कर सकते हो, उनको कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हो, लेकिन विरासतें नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ तय पा चुका है किसमें, लोहे महफूज में। चलिए ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 7, व इज अखज़ना मिन नबीयीन मीसाकहुम व मिन नूहिम व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्ने मरियम व अखज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा लियसअल सादिकीन अन सिदकिहिम व अअदा लिलकाफिरीन अज़ाबन अलीमा। व आयत नंबर 7, व इज अखज़ना, व और इज जब अखज़ा अखज़ किया लिया ना हमने, और जब लिया हमने, मिनन नबीना मिन से, अन नबीना नबीना नबियों से, और जब लिया हमने नबियों से, मीसा कहूँ मीसा पुख्ता अहद, पुख्ता वादा हूँ उनसे, पक्का वादा उनसे, व मिन का, व और मिन से का आप से, व मिन नूहिन और नू अलैहि सलाम से, व इब्राहिमा और इब्राहिम अलैहि सलाम से, व मूसा और मूसा अलैहि सलाम से, व ईसा इब्ने मरियम मरियम और ईसा अलैहि सलाम से, जो कौन है, मरियम के बेटे, व अखजना, व और अखजा अखज किया ना हमने, मिनहुम उनसे, मीसाकन गलीजा पुख्ता अहद, पुख्ता वादा, पक्का वादा, क्यों लिया हमने अहद। आयत नंबर 8, लियस अल सादिकीना, ली ताके, या वो अला सवाल करे, असादिकीना सच्चे लोगों से, अन सिदकिहिम उनके सच के बारे में, अन बारे में, सिद्ध यानी सच, हिम उनके, उनके सच के बारे में, वा अद्दा, वा और अद्दा तैयार किया है, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, अजाबन अलीमा दर्दनाक अजाब, उसने तैयार किया है काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब, और हमने लिया नबियों से पक्का वादा उनसे और आपसे और नू और इब्राहिम और मूसा और ईसा इब्ने मरियम तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से, और लिया हमने उनसे पक्का वादा, सख्त वादा, ताकि वो सवाल करें सच्चों से उनके सच के बारे में, और उसने तैयार किया है काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब। यानी अल्लाह सुबहाना ताला किस वादे की बात कर रहे हैं, कि जो जो कयामत के दिन हो, पूछा सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपने हमारा मैसेज अपनी उम्मत को पहुंचा दिया था कि नहीं पहुंचा दिया था, क्या लोगों को दीन की दावत दे दी थी नहीं दे दी थी, तो उनके सच के बारे में, सादिकीना या अंबिया अलैहिस्सलाम है ना, सच्चे लोग, उनसे उनके सच के बारे में सवाल किया जाएगा। अब ये सवाल करना इसलिए नहीं है कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह को नहीं पता कि उन्होंने पहुंचाया था या नहीं पहुंचाया था, ये इसलिए है कि जो काफिर हैं उनके सामने एक हुज्जत कायम हो जाए, वो जो कहने वाले कहे, हाँ वो जो कहने वाले कह रहे होंगे ना कि अरे हमारे पास तो कोई डराने वाला नहीं आया, कोई बताने वाला नहीं आया, तो लोग जब इनकार कर रहे होंगे तो नबी क्या कहेंगे कि या अल्लाह हमने तो पहुंचा दिया था, ये झूठ बोलते हैं, तो कहेंगे कि तुम्हारी गवाही कौन देता है, कहेंगे हमारी गवाही कौन देता है,
हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी उम्मत गवाही देती है कि हमने क्या कर दिया था, पहुंचा दिया था। अगर नहीं पहुंचाया होता तो पिछली बातें हम तक कैसे पहुंचती। तो अल्लाह सुबहान तआला ने कहा कि उनसे सवाल किया जाएगा और ये तमाम नबियों से सवाल किया जाएगा, और खसूसी तौर पर अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ पर चंद बड़े बड़े नबियों का नाम लिया है। और देखिए, सबसे पहले नाम लिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इससे पता चलता है कि वो है तो आखिरी नबी लेकिन मर्तबे में सबसे अफजल है, आला है ना। तो तमाम नबियों से उनसे क्या लिया गया है, पुख्ता वादा लिया गया है कि तुम जाओगे और तुम क्या करोगे, हक की बात को लोगों तक पहुंचा दोगे, उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं करोगे। तो तमाम नबियों ने क्या किया, उस हक को पहुंचा दिया तमाम उम्मत तक, और उनसे सख्त वादा लिया गया था कि अल्लाह को पता था कि कौन लॉयल है, कौन अमानतदार है, उन्हीं को नबी बनाया गया और उन्हीं को क्या किया गया। देखिए, अभी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग जब किसी को तबलीग, नबियों को क्या हुक्म है, खैर पहुंचानी है चाहे लोगों को हजम ना हो रही हो, उनको तकलीफ हो रही हो उसको सुनने में, हम क्या करते हैं ना, बहुत मर्तबा रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अरे वो बुरा मान जाएगी, अरे उसको बुरा लग जाएगा, है ना, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि जाके पहुंचा दो, तुम्हारा काम है पहुंचाना, तुम ये नहीं कर सकते कि ये बुरा मान जाएगा, मेरा चचा बुरा मान जाएगा या मेरा भतीजा बुरा मान जाएगा, ये नहीं है। जो खैर है वो पहुंचा देना है। तो ये सख्त इम्तिहान ये अंबिया ही दे सकते थे, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम डर जाते हैं, कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा रिश्ता स्पॉइल नहीं हो जाए, हम आपस में जो ताल्लुकात है वो कमजोर नहीं पड़ जाए, हम किस मुंह से कहें, हम कैसे कहें, तो बहुत मरतबा हम पीछे हट जाते हैं खैर की भी बात पहुंचाने से, क्योंकि हमें डर होता है कहीं ना कहीं, एक फियर होता है ना कि फियर टू लूज, कि ये कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, या कहीं इनको बुरा ना लग जाए, या कहीं इनको मेरी बात का बुरा ऐसा ना लग जाए कि इस काम पर और जम जाए, है ना, सख्त हो जाए। तो यही पुख्ता वादा नबियों से लिया गया था कि जो भी खैर की बात होगी चाहे लोगों को कड़वी लग रही हो, ये नहीं कहा गया था कि जाके सख्त और जबरन कहा जाए, लेकिन कहा जाए, ठीक है, हर बात को पहुंचाना है। और इसी सच का सवाल उनसे कयामत के दिन भी होगा कि क्या आपने पहुंचा दिया था, तो नबी क्या कहेंगे, पहुंचा दिया था। और गवाही कौन देगा तमाम नबियों की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। और तमाम काफिरों यानी जिन लोगों ने इन बात को झुठला दिया, उनके लिए क्या है, दर्दनाक अजाब है। आयत नंबर 9, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फअरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा वकाना अल्लाहु बिमा तअमलूना बसीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, उज़कुरू ज़करा जिक्र करो, याद करो, वावलिफ तुम सब नियामत अल्लाही अल्लाह की नेमत को, ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम सब याद करो अल्लाह की नेमत को, अलैकुम तुम पर यानी जो अल्लाह ने तुम पर नेमत की थी उसको याद करो। इस जाअतकुम जुनूदुन, इस जब जाअत आए कुम तुम्हारे पास, जुनूदुन लश्कर, जंदुन का प्लूरल है जुनूदुन बहुत से लश्कर, अरसलना फिर अरसला भेजा ना हमने, अलैहिम उन पर, हिम उन अला पर, उन पर रीहन हवा को, व जुनूदन और एक लश्कर, लम तरौहा लम नहीं ता तुम, वाव सब रा देख रहे थे हा उसको, वकान अल्लाहु वा और काना है अल्लाहु अल्लाह बिमा उससे जो तामलूना ता तुम, वाव सब अमला अमल करते हो, बसीरा उसको देखने वाला है, उसकी बसीरत रखने वाला है। ए लोगों जो ईमान लाए हो तुम सब जिक्र करो, तुम सब याद करो अल्लाह की नेमतों को तुम पर यानी अपने ऊपर, तुम पर जो नेमतें की गई उन नेमतों को याद करते रहो। जब आए तुम्हारे पास लश्कर यानी वो जो फौजी दस्ते आ गए थे, फिर भेजा हमने उन पर हवा को और ऐसे लश्करों को, नहीं तुम सब देख सकते थे उनको, और था और है अल्लाह उससे जो तुम सब अमल करते हो खूब देखने वाला। यानी अल्लाह सुबहान तआला यही जंगे अजाब की बात कर रहे हैं। उसमें एक आंधी आई थी ना, बहुत जोर की आंधी चली थी, और अल्लाह फरमाते हैं कि हमने सिर्फ आंधी ही नहीं भेजी थी बल्कि एक ऐसा लश्कर भेजा था, बहुत से ऐसे लश्कर भेजे थे जो तुम देख ही नहीं सकते थे, यानी फरिश्तों के लश्कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी इमदाद के लिए भेजे थे। ए ईमान वालों, अल्लाह ताला ने जो एहसान तुम पर किया यानी जो नेमतें तुमको अता की हैं तुम पर किया है उसे याद करो, जबकि तुम्हारे मुकाबले को फौजों पर फौजें आई थी,
है ना, जुनूदुन, जुनूदुन नहीं है, बहुत सारी फौजें मिलके गठजोड़ करके आ गए थे, तो हमने उन पर तेज आंधी चला दी और ऐसे लश्कर भेजे जिन्हें तुमने नहीं देखा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला सब कुछ देखता है। इन आयात में गजवाए अजाब की कुछ तफसील है जो 5 हिजरी में पेश आई थी, हम पूरा पसे मंजर देख चुके हैं। उसे अजाब इसलिए कहा जाता है, इस मौके पर तमाम इस्लाम दुश्मन गिरोह जमा हो गए थे, अजाब बहुत से गिरोह, और सारे के सारे लश्कर क्या हो गए थे, एक साथ इकट्ठे हो गए थे मुसलमानों के खिलाफ। और इस मौके पर तमाम इस्लाम दुश्मन गिरोह जमा होकर मुसलमानों के मरकज यानी मदीने पर हमला आवर हुए थे। अजाब हिज्ब का, हिज्ब की जमा है, हिज्ब यानी बहुत सारे गिरोह, अजाब यानी बहुत सारे गिरोह, इस हिज्ब यानी एक गिरोह। उसे जंगे खंदक भी कहा जाता है, खंदक क्यों कहा जाता है, उन्होंने एक ट्रेंच जो खोद दी थी 6 दिनों में सारे सहाबा ने मिलकर, इसलिए कि मुसलमानों ने अपने बचाव के लिए मदीने के अतराफ में खंदक खोदी थी ताकि दुश्मन मदीना के अंदर ना आ सके। इसकी मुख्तसर तफसील इस तरह है कि यहूदियों के कबीले बनू नुजैर, जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल बदअहदी यानी कि जो वादा तोड़ने की वजह से मदीने से चिला वतन कर दिया था, ये कबीला खैबर में जा बसा था, है ना, खैबर में वो लोग जाकर बस गए थे, इसने कुफारे मक्का को मुसलमानों पर हमला होने के लिए तैयार किया। जितने भी कुरैश थे और अहले गतफान थे सारे सबको जमा कर लिया इसने बनू नजैर में, क्योंकि ये जो यहूद थे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रखते थे, बैर रखते थे बनिस्बत मुशरिकों के, तो इसने क्या किया सबको इकट्ठा कर लिया कि हमें क्यों जिला वतन किया, अपनी सरजमीन से क्यों निकाला, अब हम क्या करेंगे, मजा चखाएंगे। और हम क्या, और इनका इंटेंशन क्या था बनू नुजैर का, कि हम नबी को ही कत्ल कर दें, और बाकी सब क्या करने के लिए आए थे, मदीना पे हमला करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर ये इनकी जो बदअहदी थी उसको बयान किया गया कि इसने कुफार कुफारे मक्का को मुसलमानों पर हमला आवर करने के लिए तैयार किया। इसी तरह गतफान वगैरह कबाइल नजद को भी इमदाद की यकीन दिलाकर आमादा ए कत्ल कर लिया। ये यहूदी इस्लाम और मुसलमानों के तमाम दुश्मन को इकट्ठा करके मदीने पर हमला आवर होने में कामयाब हो गए। मुशरिकीन मक्का की कयादत अबू सुफियान के पास थी, यानी जो कुरैश थे वो अबू सुफियान के वो थी हाथ में उनके, उन्होंने ओहद के आसपास पड़ाव डालकर तकरीबन मदीने का मुहासरा कर लिया था। वो दूर चले गए थे तो इन लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि अभी चैन का सांस मत लो, हम थोड़ा सा ताकू पीछा करेंगे इनका, जब तक ये पूरी तरह से दूर नहीं निकल जाते तब तक हम लोगों ने रुक कर नहीं बैठना। हालांकि सख्त सर्दी का मौसम था और बहुत मशक्कतें थी, खाने को कुछ भी नहीं था, फिर भी इन सारे सारे इकदाम किए गए थे। वो पड़ाव करके मदीने को घेर कर बैठा हुआ था, इनकी मजमुई तादाद 10,000 थी, यानी दूर थे लेकिन घेरे हुए थे पूरी तरह से मदीने को, जबकि मुसलमान सिर्फ 3,000 थे। अलावा अजी जुनूबी रुख पर यहूदियों का तीसरा कबीला बनू कुरैजा आबाद था, जिससे अभी तक मुसलमानों का मुआहदा कायम और वो मुसलमानों की मदद करने का पाबंद था। ये हम कल भी पढ़ चुके कि बनू कुरैजा ने क्या किया था, वादा तोड़ दिया था, और किसके साथ मिले वो लोग, इन्होंने इन लोगों ने क्या कहा कि अभी मौका है, इस बार अगर खत्म नहीं किया मुसलमानों को तो ये कभी भी फिर सर उठा लेंगे। तो इन लोगों ने क्या कहा कि तुम जाके रसूल अल्लाह से वादा तोड़ दो। इसने क्या कहा, नहीं नहीं हम हमें तो उन्होंने कभी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया था, हम नहीं तोड़ सकते वादा। तो इन्होंने कहा कि अरे क्यों तुमको दबके रहना है, जब हम सारे इकट्ठे हो गए हैं सब खत्म ही करने वाले हैं मामला, तो क्यों तुम मतलब अपने सर झुका कर रह रहे हो, अब हम खत्म कर देते हैं इनको और तुम हमारा साथ दो। तो ये सारे क्या हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना जो हल्फ था, जो ट्रीटी थी, वो जो एग्रीमेंट था वो तोड़ दिया, हम हमले के लिए क्या हो जाएंगे, आमादा हो जाएंगे। लेकिन मुसलमानों को खौफ किस बात का था, इसी बनू कुरैजा में उनके बच्चे और सारे कुछ माल जो था वो यहाँ पर इन लोगों ने सिक्योरिटी के तौर पर रखा था। वो क्यों रखा था, क्योंकि उनको पता था ये तो हमारे एग्रीमेंट में, तो ये तो हमें इनसे तो कुछ खतरा नहीं है। लेकिन ये सारे क्या हो गए, उनके साथ जा मिले। अब ये हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खामोश तो नहीं थे, वहां ही के लोगों ने आकर खबर दे दी कि ऐसा ऐसा हुआ है कि बनू कुरैजा ही आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिनके साथ आपका एग्रीमेंट था वही आपके खिलाफ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत नईम को भेजा था, है ना, जो हमने कल पढ़ा कि उन्होंने उस गतफान और ये बनू कुरैजा कुरैजा को कहा कि तुम उनसे क्या मांगो, थोड़े से आदमी मांग लो, ताकि ऐसा ना हो कि कल को ये पलट जाए या कुछ तुम्हारे पास वो नहीं रहे, क्योंकि तुम तो मदीना में रहते हो, ये तो बाहर के लोग हैं तो चले जाएंगे और तुम्हारा क्या बनेगा अगर तुम ऐसा करोगे कि कुछ श्योरिटी नहीं रखोगे। तो इन्होंने क्या किया,
उनसे मुतालबा किया कि हमें कुछ आदमी चाहिए यरगमाल के तौर पर। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि तुम आदमी दो। वहां जाके सामने अपोजिट वाले काफिरों से क्या कह दिया कि देखो उनको तुम पर भरोसा नहीं, आदमी मांगते तुमको, देखो कैसे लोगों को अपने साथ खड़ा कर रहे हो तुम, ऐसे लोगों को के ऊपर ट्रस्ट करना सही नहीं है। तो वो जब ये पहले पहले बात पहुंचा दी कि मुझे इस खबर आई है कि वो लोग आपसे मुतालबा करेंगे, कहीं ऐसा ना मुतालबा कर ले आदमियों का, तो ऐसे ही हुआ कि वो अगले दिन जाकर मांगते कि हमें आदमी भेजो वरना हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हो सकते। तो इन्होंने कहा कि अरे हजरत नईम तो बात बिल्कुल सही कर रहे थे और हम कैसे इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपस में जब इनके डिवाइड एंड रूल वाला मामला हुआ तो इस तरीके से ये लोग क्या हो गए कि इनके आपस में टुकड़े टुकड़े हो गए। अब ये होना था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रात के वक्त जब सारे लोग क्या हो रहे थे आराम से ईमान वाले सो रहे थे, बहुत तेज की क्या चला दी, आंधी चल गई। और वो आंधी ऐसी थी कि उनके आंखों में क्या होने लगे, मतलब वो एक जगह पर खड़े नहीं, उनके कदम उखड़ने लगे, तो सारे के सारे क्या हो गए, भाग गए। अब सुबह को उठकर जब नबी ने देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ईमान वालों ने कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, सुबह को उठ के देखे एक एक 10,000 का पूरा लश्कर, सोचे 3,000 कहाँ 10,000 कहाँ, जहाँ दे हद नजर के पार तक आदमी आदमी दिखाई दे रहे थे। अब सुबह उठ के देखा तो एक आदमी भी नहीं दिखाई, सोचे रात और रात मामला तमाम हो गया। तो अल्लाह उसी का जिक्र कर रहे हैं, एक हवा ने इनका काम कर दिया, कुछ नहीं, और जंग नहीं हुई थी यहाँ पर। जंगे अजाब नाम है इसका, गजवाए अजाब, लेकिन एज सच जो प्रॉपर जंग होती है वो यहाँ पर नहीं हुई थी। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के भेजे हुए जुंदन लश्कर थे और यानी के फरिश्ते थे, और एक हवा थी जिसके जरिए से अल्लाह सुबहान तआला ने इन लोगों की इमदाद फरमाई, नुसरत फरमाई, और ये अल्लाह सुबहान तआला हर काम को जो तुम अमल करते हो उससे बाखबर है, देखने वाला है। इस जाअकुम आयत नंबर 10, इस जाअकुम मिन फौकिकुम व मिन असफला मिनकुम व इस ज़ागतिल अबसारु व बलगतिल कुलूबु कुलूबुल हनाजिरा व तज़न्नूना बिल्लाही बिल्लाही जुन बिल्लाही जुनूना। ठीक है, इस जा उकुम आयत नंबर 10, इस जब जा उकुम जा आए वाव अलिफ वो सब कुम तुम्हारे पास, मिन फौकिकुम तुम्हारे ऊपर से, फौक यानी ऊपर, व मिन असफला व और मिन से असफला नीचे, मिन कुम तुम्हारे, तुमसे नीचे से यानी कि तुम्हारे नीचे से और तुम्हारे ऊपर से सारे लोग क्या हो गए थे, तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए थे। वह और इस जब जागत जागत अपसारू यानी कि पथरा गई थी आंखें, यानी कि चौंधिया जाती है ना आंखें इतने सारे लोगों को देखकर, तो पथरा गई थी आंखें। वह बलगतिल कुलूबू वह और बलगा मुंहों को आ गए थे दिल, मुंह दिल मुंह को आ गए थे, इसका मतलब दिल निकल निकल के सबके मुंह में नहीं आ गए थे, मतलब ये मुहावरे हैं दोनों, आंखें पथरा जाना और दिल का मुंह में आ जाना, यानी कि एक इंसान डर और खौफ से किस तरह से ऐसा लगता है दिल मुंह में आ रहा है, यानी कि अब तो ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो जब दिल मुंह को आ गए थे और जो आंखें थी वो पथरा गई थी, अल कुलूबुल हनाजिरा गलों तक, हनाजिर गलों तक, बलगत आ गए थे पहुंच गए थे, अल कुलूबु दिल अल हनाजिरा गलों तक या मुंह तक, फतजुन्नूना वा और तान तुम वालों सब जन्ना गुमान कर रहे थे, बिल्लाही बिल्लाही अल्लाह के बारे में, तजुन्नूना अजुनूना बहुत से गुमान, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत से तुम्हारे बहुत सी उम्मीदें लगी हुई थी, बहुत से गुमान लगे हुए थे। जब वो सब आए तुम्हारे पास तुम्हारे ऊपर से और तुम सबके नीचे से, और जब पथरा गई थी आंखें और जब पहुंच गए थे दिल गलों तक यानी के मुंहों तक, और तुम सब गुमान कर रहे थे अल्लाह से बहुत से गुमान, यानी वही सारे कबीलों का तस्करा हो रहा है कि सारे कबीले क्या हो गए थे, तुम्हारे खिलाफ जमा हो गए थे। इससे मुराद ये है कि हर तरफ से दुश्मन आ गए, या ऊपर से मुराद गतफान हवाजिन यानी शुमाल और जनूब ना, ये वैसे ऊपर नीचे नहीं, पैर और सर के ऊपर की बात नहीं हो रही है, शुमाल और जनूब की बात हो रही है ना, कि वो लोग नॉर्थ से भी आ गए, साउथ से भी आ गए, मशरिक से भी आ गए, चारों तरफ से उन्होंने क्या कर लिया था, घेर लिया था। और दुश्मन आ गए, या ऊपर से मुराद गतफान हवाजिन और दीगर नज के मुशरिकीन है, और नीचे के सिम से कुरैश और इनके ऐवान और अंसार मुराद है।
ये मुसलमानों की इस कैफियत का इजहार है जिससे इस वक्त वो दो चार हो रहे थे, यानी उनको इतना खौफ लग रहा था कि चारों तरफ से अब किस तरह से इनका मामला किया जाएगा। ठीक है, चलो पहले रिपीट कर लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह आज हम इन्फॉर्म कर देंगे पारे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 12, आयत नंबर 11, हुनालिका बुतुलिया तुलियल मुमिनून वजुलजिलू जिलजालन शदीदा वइज यकूलु المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذنوا فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا। हुनालिका, वहीं के वहीं, उबतला मुबतला कर दिया गया, आजमाया गया, अल मुमिनूना ईमान वालों को, वहां पर आजमाया गया ईमान वालों को, वजुलजिलु और वो सब हिला दिए गए, जिलजालन शदीदा शदीद हिलाए गए, यानी कि उनको इतना शेक किया, इसका मतलब यूं हिलाना नहीं है, मतलब एक तरीके से आजमाइश ने उनको हिला कर रख दिया। वहां आजमाए गए ईमान वाले और हिला दिए गए वो सब सख्त हिलावे के जरिए से। व इज यकूलुल मुनाफिकूना, आयत नंबर 12, व इज और जब यकूलू या वो कूलू कहा अल मुनाफिकूना मुनाफिकों ने, और जब कहा मुनाफिकों ने, वल्लजीना और उन लोगों ने, फी कुलूबिहिम उनके दिलों में, मरदुन मर्ज था यानी जिनके दिलों में बीमारी थी, मुनाफिकत की बीमारी थी, मा वअदना मा नहीं, वअदा वादा किया ना हमसे, अल्लाहु अल्लाह ने, व रसूलुहु और उसके रसूल ने, इल्ला सिवाय गुरूरन धोखे का। और जब कहा मुनाफिकों ने और उन लोगों ने जिनके दिलों में मर्ज है, मर्ज यानी के बीमारी थी मुनाफिकत की, नहीं, माँ का तर्जुमा नहीं हो रहा है क्योंकि इल्ला आ गया, नहीं वादा किया हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने सिवाय धोखे का। व इज कौलत इपतुन, आयत नंबर 13, वह इज और जब कौलत कहा ताइफतुन, देखे ता के पर सुकून है तो कालत ताइफतुन क्योंकि फीमेल है इसीलिए ता फीमेल के लिए आता, उसने, और जब कहा एक ग्रोह ने उनमें से, मिन से हम उन, उनमें से, या अहल यसरिब, ए यसरिब वालो, अहल का मतलब भी वाले होता है, ए यसरिब वालो, ए मदीने वालो, ला मुकाम लकुम पर जेऊ, ला नहीं मुकामा, मुकाम है लकुम तुम्हारे लिए, ठहरना है तुम्हारे लिए, पर जीऊ तुम सब लौट चलो, रजा रुजू कर लो यानी लौट चलो, वयस्तअज़िनु वा और या वो अजना इज़्न मांगने लगे, सीनता मांगना चाहना, और वो सब इजाजत मांगने लगे, किससे इजाजत मांगने लगा, फरीकुन एक गिरोह, मिन हम उनमें से, अन नबिया नबी से, और वो इजाजत मांगने लगा एक गिरोह उनमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यकूलूना या वो वावनम सब कूलू कहने लगे, इन्ना बेशक बुयूतना हमारे घर, औरतुन गैर महफूज है यानी के उनके ऊपर कोई हिफाजत नहीं है, वमा हिया भी औरतिन वा और माँ नहीं हिया वो भी औरतिन गैर महफूज थे, हमारे घर गैर महफूज है हालांकि उनके घर गैर महफूज ना थे, इन यूरीदू ना इन इल्ला की वजह से, इन नहीं में चला जाएगा, नहीं वो सब इरादा कर रहे थे, नहीं वो सब चाह रहे थे, इल्ला सिवाय फिरारन फरार होने के, तो सर फरार होना चाहते थे। और जब कहा एक ग्रो ने उनमें से, एहले यसरब, ए यसरब वालो, किसी भी जगह के साथ अहल आएगा ना तो मतलब उसके रहने वाले, अहले मदीना, अहले मक्का तो मक्का वाले, मदीना वाले तो अहले यसरब, ए यसरब वालो, नहीं है ठहरना तुम्हारे लिए तो तुम सब लौट चलो, और वो सब वो इजाजत मांगने लगा, कौन इजाजत मांगने लगा, एक ग्रो उनमें से नबी से, और वो सब कहने लगे बेशक हमारे घर गैर महफूज है, और नहीं वो गैर महफूज थे, नहीं वो सब चाह रहे थे सिवाय फरार होना। अब अल्लाह सुबहान तआला ने क्या फरमाया कि यहाँ तो ये क्या है, ये एक टेस्ट था,
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहे हैं कि ईमान वालों से इस कदर सख्त इम्तिहान लिया गया कि वो हिला दिए गए, यानी कि असल इम्तिहान यहाँ पर किस चीज का था? ईमान वाले और मुनाफिकों का था कि कौन ईमान वाला सच्चा नबी के साथ खड़ा रहेगा आखिर तक, और कौन मुनाफिक है जो छोड़कर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखें, वो जब कहा मुनाफिकों ने, अब कुछ मुनाफिकीन थे, अराउंड 70 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या, इनके दिलों में मुनाफिकत की बीमारी थी, तो ये इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को भड़काना शुरू किया। क्या कहा कि देखो हमसे झूठा वादा किया अल्लाह और उसके रसूल ने कि लश्कर मदद के लिए भेजे जाएंगे और ये सब होगा, और कोई लश्कर वश्कर तो आया नहीं, ऐसा करते हैं हम लोग चलते हैं मदीना, अपनी सेफ्टी को देखते हैं, या मतलब हम इनके साथ क्यों खड़े रहे। तो इन्होंने आपस में मशवरा किया, कुछ 70 लोग थे ये सारे मुनाफिकीन, कि अभी तक कोई लश्कर यानी फरिश्ते अभी तक आए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नबी से इजाजत मांग लेते हैं। तो अहले यसरब हम लौट जाते हैं, हम अपने मकाम पर लौट जाते हैं। तो ये सारे इनमें से ये ग्रोह, यानी ये जो 70 लोगों का ग्रोह था, नबी के पास आया और क्या कहने लगा, क्या आपने कहा था कि बनू बनू जो कुरैजा है उससे हमारा ट्रीटी है, हमारा मुआहदा हुआ हुआ है, तो वो तो तोड़ गए मुआहदा, तो अब कहाँ से हमारे घर मतलब वो है महफूज नहीं है अब हमारे घर, अब हमें क्या करना है, हमें जाना है, हम अपने घर वालों की हिफाजत करना चाहते हैं, हमें जाने दो। तो यहाँ पर हालांकि अल्लाह ने कहा कि कोई गैर महफूज नहीं थे, उनके अंदर इतनी मजाल नहीं थी कि वो खड़े होकर खुद से हमला कर देते, जैसा पहले दो कबीलों का हाल हो चुका था, इतनी मजाल। देखें यहूदी जो कबीला है ना, मुशरिक से बुजदिल है। क्यों बुजदिल है? मुशरिका ने मक्का ने जब वो किया ना जंग की, वो डट कर सामने मैदान में खड़े होकर की है, लेकिन जो यहूद थे ना, ये हमेशा पीछे चूहा मीटिंग करते थे, और इनका मामला आज तक ऐसा है। आज के मौके पर भी देखे, जो मुशरिक होते हैं ना, वो सामने खुलकर आते हैं, उनके अंदर इतना जिगर है, वो बात अलग है कि ईमान वालों जितना जिगर फिर भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो सामने आते हैं मैदान में। ये कभी खुले मैदान में आपने कभी सुना है कि मुसलमानों और यहूद की जंग हो रही है? लेकिन है जंग, इट्स अ कोल्ड वॉर, पीछे पीछे सब चलता रहता है इनका, ये लोग कभी भी किसी के भी फेस पर नहीं आते। हाँ, तो ये इनका यही मामला था कि अल्लाह सुबहानो ताला ने फरमाया कि उनके घर गैर महफूज नहीं थे, वो यहूद के हाथ में थे, वो इतने बड़े जाबाज नहीं थे कि वो अपने तीर और भाले, हालांकि किसके पास था सारी कस्टडी तीर भालों की, इन्हीं के पास था सारा जो कुछ था। जब इनको कत्ल किया गया, मर्दों को और औरतों को घरों से निकाला गया, तो कितने सारे तीर और वो नेजे सब उनके घरों से मिले थे, तो ये तैयारी में फराहम करने वाले थे, ये खुद इतने बुजदिल है, ये लड़ते नहीं, ये क्या करते, मुशरिकों को दे देते कि जाओ जाओ लड़ो, यानी इतने बुजदिल है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये इनके घर गैर महफूज नहीं थे, बल्कि बात क्या थी, ये मुनाफिकत थी, जो मर्ज था ना, ये इनको फरार होने पर मजबूर कर गया। और यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया कि यहीं पर मुनाफिकों की हकीकत जाहिर हुई। तो ये जो मुनाफिकीन है, अल्लाह सुबहान तआला ने इनका रंग दिखा दिया कि किस तरह से ये छोड़कर निकल गए। वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक्तारिहा थुम्मा सुइलुल फितनता लआतौहा वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा। और ये जो मुनाफिकीन है ना, अक्सर इनमें से यहूद थे, ये दिखावे के लिए ईमान लेकर आए हुए थे कि हम जो है ईमान वालों के साथ हैं, मुसलमान नहीं है। और जो मुशरिक थे वो मुशरिक, वो सीना ठोक कर कहते थे हम मुशरिक, हालांकि कुफ्र कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे, लेकिन ईमान वालों से बिल्कुल जब क्रॉस है तो हम दूर रहेंगे। इनका मामला ऐसा था कि इसकी भी गुड बुक में रहना, उनके भी गुड बुक में रहना, हम कहीं पर भी अपना, हाँ दिल में मर्ज है, दिल में इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन सबके सामने अच्छे बनकर रहो, सबके कैसे, हाँ इसराइली जो है वो यहूदी है, और फिलिस्तीनी जो है, नहीं फिलिस्तीनी जो है वो है इसराइल जो है, ऐसे सवाल करके कंफ्यूज हो गए। हाँ फिलिस्तीन इज द प्लेस, हाँ इसराइली जो है ना वो यहूद है जो कि हमला कर रहे हैं फिलिस्तीनियों पर। हाँ नहीं, वो तो ईमान वाले हैं ना, वो मुसलमान है सब, ये लोग चाह रहे हैं कि उसके ऊपर क्या कर ले, कब्जा कर ले। और हालांकि एक समझ लें, अगर हम मैप पर देखें ना, थोड़ा सा एरिया है जो कि मुसलमानों का है, और वो इतनी मुस्लिम सारे के सारे कंट्रीज जो हैं आपस में, उनका आपस में इत्तेफाक नहीं है ना, वरना इतने से चंद मुट्ठी भर इसराइलियों को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये आपस के जो हमारे, हाँ
ईमान वालों के अंदर इत्तेफाक नहीं है ना, तो इसकी वजह से मुसलमान हर जगह पर पिस रहा है। तो यहाँ पर देखें कि अल्लाह सुबहाना ताला ने फरमाया कि उनके घर गैर महफूज नहीं थे, लेकिन वो मुनाफिकत की वजह से वो फरार हो गए बहाना तराश के। वलौ दुखिलत, वह और आयत नंबर 14, वह और यूं अगर दुखिलत दाखिल कर दिया जाता, अलैहिम उन पर, मिन अख्तारिहा मिन से अख्तार किनारो पतर, कतार कहते हैं ना, अख्तारिहा उन पर उनके अतराफ से यानी उनके किनारों से, सुम्मा यानी क्या दाखिल कर दिया जाता, कोई जंग का लश्कर दाखिल कर दिया जाता, सुम्मा फिर, सुइलू वावले वो सब, सुइलू सवाल किए जाते, अलफितना था फितना फैलाने का, अगर उनसे कोई पूछता कि तुम कर लोगे जंग तो ये क्या करते, ला आतौहा, ला अलबत्ता आतो, वो सब ले आते हाँ उसको यानी उस फितने को बर्पा कर देते, वमा तलब बसु बिहा इल्ला यसीरा, वह और माँ नहीं तलब बसु वो इंतजार करते, लबसा मतलब इंतजार करना, बिहा उसका इल्ला सिवाय यसीरा बहुत थोड़ा, यसीरा बहुत आसानी से वो इस चीज पर आमादा हो जाते। यानी यहाँ पर क्या बात बयान की जा रही है कि अगर दाखिल कर दिए जाते हैं इन पर उस उनके अतराफ से क्या लश्कर, लश्कर लिखा नहीं है बट इट इज अंडरस्टूड, अतराफ से लश्कर अगर आ जाते फिर उनसे सवाल किया जाता किसी फितना फितना बर्पा करने का, अलबत्ता वो सब कर देते उसे, और नहीं वो सब क्या हो जाते, नहीं वो सब तलब बसा इंतजार करते उसका सिवाय थोड़ा, यसीर का मतलब थोड़ा लिखा है, यसीर का मतलब आसान भी होता है, थोड़ा ही इंतजार करते और कर देते। यानी अल्लाह सुबहाना ताला क्या फरमा रहे, ये जो यहूद थे, ये जो बनू कुरैजा थे, ये इनका मामला, ये मुनाफिकी का मामला ये था कि अगर इनको इनके ऊपर सामने अतराफ से लश्कर दाखिल कर दिए जाते, यानी इनके इनके सामने से कोई जंग के लिए आ जाता और इनसे कहा जाता, कोई काफिर आ जाता गठजोड़ करने के लिए, कहता कि भाई हमारे साथ मिल जाओ और हम क्या करेंगे मुसलमानों को मजा चखाएंगे, यही हुआ ना कि थे तो ईमान वालों के साथ मुआहदा किया हुआ था, ट्रीटी थी, लेकिन जब काफिरों ने आकर इनसे पूछा कि क्या तुम हमारे साथ मिल जाओगे, तो ये फितना बर्पा करने के लिए राजी हो गए, और फिर ये थोड़ा भी इंतजार नहीं करते, फिर ये हर जगह जहां फितना फैलाया जाएगा तो ये क्या कर जाते, उसमें दाखिल हो जाते। जिस तरह से जो बनू नुजैर थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिला वतन किया था तो खैबर में जाकर बस गए थे, अब क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिला वतन क्यों किया था, कि कुछ तो सबक मिलेगा, अकल के नाखून लेंगे ये लोग, लेकिन वहां जाके क्या किया उसने बनू नुजैर ने, सबको भड़काया है ना, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हजरत माज या हजरत सादिया थे, कौन थे वो, उनको हुक्म दिया कि आप ही इनका फैसला करें, जब बनू ये जो कुरैजा हैं तो इनका क्या किया गया, कहा कि इनको कत्ल करो, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये इनको एक को भी छोड़ा तो ये कल को उठ के फिर वही हरकत करेंगे, ये बाज आने वाले लोग नहीं है। हम इनका मामला हजरत मूसा अलैहि सलाम के ही साथ देख लेना, जो नबी के साथ इतनी नाफरमानियां कर सकते हैं, तो वो फिर जब अकेले होंगे नबी के खिलाफ होंगे तो सोचे क्या क्या कर सकते हैं। मूसा अलैहि सलाम की एक भी बात मानी इन्होंने, जब कहा कि जंग के लिए चलो तो क्या कहा था इन्होंने, आप जाओ आपका खुदा लड़के आ जाओ, हम बैठे इंतजार, जब फतेह हो जाए हमें बुला लेना, हम मन सलवा खा खा के बोर हो चुके, अब तब्दील करो इसको। यानी सोचे कि नबियों के साथ इनकी इतनी हुज्जत थी तो ये कहाँ मानने वाले लोग थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर कहीं इन पर लश्कर दाखिल होता तो ये क्या, और इनसे पूछा जाता, कोई काफिर पूछता इनसे कि फितने के लिए तैयार हो, यानी कि तुम जंग के लिए हमारे साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार हो, तो वहां से ट्रीटी तोड़ देते ईमान वालों से और ये कर देते उस जंग को, उस पर आमादा हो जाते और जरा भी इस चीज का इंतजार ना करते। आयत नंबर 15, वलकद कानू आहदुल्लाह मिन कब्लु ला युअल्लून अलअदबार فكان عهد الله مسؤولا, و اور ولقد اور البتہ تحقیق پانو وہ سب تھے عہدو وہ عہد کر چکے سے وہ عہد کر چکے تھے وہ وعدہ کر چکے تھے اللہ اللہ سے من قبل اس سے پہلے لا یعلون الادبار لا نہیں یا وہ وانون سب بلہ پھیریں گے الادبار پیٹھوں کو और अलबत्ता तहकीक वो सब थे वो सब वादा कर चुके थे अल्लाह से इससे पहले भी कि नहीं वो सब फेरेंगे पीठों को यानी जंग का मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे और साथ देंगे ईमान वालों का। वकाना अहदुल्लाही मसूला,
और अल्लाह का वादा तो है ही सवाल किया जाने वाला, यानी जिस वादे को अल्लाह से कर लिया जाए तो उसकी पूछगछ होगी, उसका सवाल किया जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह सुबहाने ताला किस वादे की बात कर रहे हैं कि जब बयान किया गया है कि ये मुनाफिकीन जंगे बदर तक मुसलमान नहीं थे, इससे पहले तो उन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि पीठ ना फेरेंगे और अल्लाह ताला से किए हुए वादे की बास पुरस होगी, यानी उसका सवाल किया जाएगा। यहाँ पर बयान किया जाता है कि ये मुनाफिकीन जंगे बदर तक मुसलमान नहीं थे, लेकिन जब मुसलमान फतेह होकर आए, बदर में ईमान वालों को फतेह मिली ना, तो ये पहले मुनाफिकीन नहीं थे एक्चुअली, पहले अपोजिट ही थे, लेकिन जब बदर में देखा कि अरे बड़ा माले गनीमत जमा हुआ है और बहुत कुछ हाथ लगाए, तो इन्होंने क्या कहा कि हम भी मुसलमान हैं, आपके साथ हैं, यानी दिखावे के मुसलमान बन जाओ तो फायदा तो उठा लो, कम से कम दुनिया के जो ऐश है वो तो हमें मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये क्या हो गए थे, ईमान वाले दिखावे के तौर पर हो गए थे। लेकिन जब मुसलमान फातेह होकर और माले गनीमत लेकर वापस आए, तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि इस्लाम का इजहार किया, बल्कि ये अहद भी किया था कि आइंदा जब भी काफिरों से आपकी जंग होगी, हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे और आपके साथ आपका पूरा पूरा साथ देंगे। ठीक है, तो ये अल्लाह सुबहानहु ताला ने फरमाया कि यही वो वादा है जो पहले कहा था, फिर उससे क्या हो गए, मुंह मोड़ गए, उसको पीठ मोड़ के पीछे मुड़ गए। तो यानी अल्लाह सुबहानहु ताला ने फरमाया ये जो झूठा इन लोगों ने वादा किया था, इसकी बास पुरस यानी कि इसका अल्लाह सुबहानहु ताला से इसको समझ। आयत नंबर 15 तक मुकम्मल हो गई ना, इंशाल्लाह कल यानी मंडे को मुकम्मल हो जाएगा पारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, सूरा भी मुकम्मल हो जाएगी मंडे को। 62 है ना, तो 15 ही आयतें इसमें बची हैं, तो इंशाल्लाह 25 आयतें हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुभानल्लाहि व बिहमदिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, सुभान रब्बिका رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفونا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
وجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا.